हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्नर्स पाथ। तो आज हम बात करेंगे शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की। हम बात करते हैं इकोलॉजी की, तो उसमें आज जो शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हमने इकोलॉजी में बात की थी कि क्या इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, इंट्रैक्शन एक स्पीसीज की उसके इन्वायरमेंट के साथ, कि उसकी क्या इंट्रैक्शन है और किस तरह से होती है। इकोलॉजी में हमने ये बात की थी। तो जो ये लॉ है शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये भी हमें क्या बात करता है, उसके इंट्रैक्शन की एक स्पीसीज की उसके इन्वायरमेंट से किस तरह की है, और कह सकते हैं कि एक स्पीसीज किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, टॉलरेट कर रही है। ठीक है, हर एक हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, उनकी डिफरेंट टाइप की डिमांड होती है। कि क्या है, हर एक स्पीसीज क्या है, डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर को, ठीक है, डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट कंडीशन है, जो एयर है, जहाँ कोई भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर आ गया या कोई और चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को क्या करती हैं, अडेप्ट करती है। तो शेलफोर्ड ने कहा कि एक स्पीसीज है किसी इन्वायरमेंट में अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी अडेप्टेशन हम कह सकते हैं कि किस तरह से वो सर्वाइव कर रही है, वो डिपेंड करेगा किस चीजों पे, दो चीजों पे। कि फर्स्टली क्या है, उसकी टॉलरेंस क्या है, रेंज ऑफ टॉलरेंस, मतलब वो कितना टॉलरेट कर सकती है उसको इन्वायरमेंट पे। ठीक है, सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ये तो होगी टॉलरेंस किसकी रेंज, और सेकेंड हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ डिमांड, किसकी डिमांड क्या है। जैसे हम कहें हमारी डिमांड क्या है, हम किस एनवायरनमेंट में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, जब क्या है, हमें ना ज्यादा ठंड लगे ना ज्यादा गर्मी, तो हमारी ये डिमांड होगी। टॉलरेंस क्या हुई, जब हम टॉलरेट करें किसी एनवायरनमेंट को, मतलब क्या है, हम विंटर है तो एसी चला के उसको टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है, सर्दी आ गई तो वूलन पहन के उसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक स्पीसीज की डिमांड क्या है, उसकी टॉलरेंस क्या है। तो शेलफोर्ड ने इसी दो चीजों के बेसिकली ज्यादा ऊपर बात की। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये क्या है, इस साइड हमारी एक स्पीसीज की परफॉर्मेंस, ठीक है, कि किस तरह से एक स्पीसीज परफॉर्म करेगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ चेंज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, जिस तरह से उसका एनवायरनमेंट है जो चेंज हो रहा है। सपोज करते हैं कि कोई स्पीसीज है ना ज्यादा कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रही है ज्यादा ठंड को, ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं स्पीसीज की क्या है, टॉलरेंस, मतलब कह रहा है कि उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, बढ़ रही है। स्पीसीज की एग्जिस्टेंस, अबंडेंस, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपेंड करेगी उसके, मतलब उसकी किस तरह की अडेप्टेशन है। अगर ज्यादा इन्वायरमेंट, पहले टेम्परेचर क्या है, पहले हम सपोज करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ठीक है, बहुत कम है, तो स्पीसीज है जो उसकी परफॉर्मेंस इतनी ही है, मतलब क्या है, बहुत कम रह गए हैं, ठीक है, ठंड के कारण। अब क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे बड़ा, स्पीसीज क्या हो गई, मतलब उसकी हम कह सकते हैं कि अबंडेंस ऑफ स्पीसीज की बहुत ज्यादा है। फिर क्या है, जैसे जैसे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा, फिर क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ये एक स्पीसीज की किस पे अबंडेंस किस पे डिपेंड करेगी, कि उसकी टॉलरेंस कैसी है और उसकी डिमांड कैसी है, ठीक है। अब जहां पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसको टू चीजों में हम कह सकते हैं, फर्स्टली हम कहते हैं यूरी, सेकेंड है, पहले हम बात करते हैं यूरी थर्मल की, ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं यूरी, सॉरी, स्टेनोथर्मल की। अब यूरी थर्मल यहाँ पे कौन से हैं, जो क्या है, टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब वो स्पीसीज है जो क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज, मतलब बहुत ज्यादा रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड रेंज को। थर्मल मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वो स्पीसीज हो गई, मतलब ज्यादा वाइड रेंज। अब स्टेनोथर्मल यहाँ पे क्या है, जो क्या है, सिर्फ नैरो रेंज है टेम्परेचर की, उसको ही टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये तो आ गया उसके टेम्परेचर पे। अब इन्वायरमेंट में हमारे पास और कंडीशंस भी हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा यूरीथर्मल, यूरी हम कह सकते हैं कि हाइड्रिक, मतलब वाटर से, मतलब ये वाले यूरी हो गए, तो मतलब वाइड रेंज ऑफ किसकी, जो हमारे पास यहाँ पे है वाटर, उसको क्या कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव रह सकते हैं। और ये जो सेकंड आएंगे स्टेनोहाइड्रिक, वो क्या होंगे, नैरो रेंज में, ठीक है, ये आ गया वाटर की कंडीशन पे। अब यूरी हेलाइन भी हो सकते हैं, एक यूरी हेलाइन, जो डिपेंड करेगा, हेलाइन है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, जो डिपेंड करेगा, हेलाइन मतलब सॉल्ट, मतलब ज्यादा, जब क्या है, वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट हो, ठीक है। स्टेनो क्या होगा यहाँ पे, हेलाइन, जब क्या हो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, फेजिक,
यूरिफेजिक एंड स्टेनोफेजिक। स्टेनोफेजिक और यूरिफेजिक, फेजिक मतलब क्या हुआ, जब क्या है हमारे पास वाइड रेंज ऑफ फूड हो। फेजिक जब आ जाएगा यहाँ पे तो उसका मतलब क्या होगा, जब क्या है हमारे पास वाइड रेंज ऑफ क्या हो, फूड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर क्या है कुछ जो हम कह सकते हैं कि स्पीसीज है, अगर फूड उनको मतलब खत्म हो जाए या कम हो जाए तो क्या है बहुत सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, तब मर जाएंगी, लेकिन कुछ उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएंगी। ठीक है, वो उनमें मतलब क्या है, कुछ टॉलरेंस है। अब यहाँ पे एक बात और आती है, वो होती है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। तो हम बात करते हैं अब इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की। अब जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ इस टर्म का, कि जब क्या है कोई स्पीसीज है वाइड रेंज ऑफ क्या कर सकती है, टॉलरेंस, या फिर उसकी रेंज ऑफ जो डिमांड है किसकी, एनवायरमेंट को लेकर। ठीक है, जब क्या है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड भी क्या हुआ, क्या हुआ स्पीसीज की एक डिमांड एनवायरमेंट को लेकर, और क्या है उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस, कितना उस एनवायरमेंट को, उसकी क्या रेंज है उसको टॉलरेंट करने की। तो इस चीज को हम कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं इसका जो टर्म है। ठीक है, कि किस तरह के वो एम्पलीट्यूड को वो क्या कर सकती है, अडैप्ट कर सकती है। हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट अ पर्टिकुलर स्पीसीज कैन अडैप्ट, है ना, रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट फैक्टर दैट अ पर्टिकुलर स्पीसीज कैन टॉलरेट, मतलब वो कितने रेंज ऑफ फैक्टर्स को कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। तो इधर हमारा छोटा सा लॉ, शेलफोर्ड लॉ ऑफ जो टॉलरेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी जो कंडीशन है, थर्मल, हाइड्रिक की बात की हमने यहाँ पे, हेलाइन जो सॉल्ट से डिपेंड है, सॉल्टिनिटी से, फेजिक जो फूड से है, फेजिक वाली भी क्या है यूरोफेजिक, मतलब क्या है जब वाइड रेंज ऑफ फूड होगा, और स्टैनो मतलब जो नैरो रेंज ऑफ फूड होगा। तो मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाएं, उसी के वजह से इनकी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।